अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं कुकिंग विद उज़मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज़मा बाबर। आज हम आपके साथ एक और रमज़ान रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड बॉल्स। चिकन ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए यहाँ हमारे पास चिकन है 100 ग्राम चंक्स में कटा हुआ, 2 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ ये तंदूरी मसाला है, 4 टेबल स्पून हमारे पास केचप है और 2 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ ये कुकिंग ऑयल है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसके साथ बेल आइकन है, इसे भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले चिकन के अंदर हम ये तंदूरी मसाला ऐड करते हैं, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और ये केचप ऐड करेंगे। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब इसको हम यूं ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट। अब मैरिनेट की हुई चिकन को हम फ्राई पैन में ले लेते हैं। अब चिकन को इतना पकाएंगे कि ये डन हो जाए। हार्डली इसको पकाने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। चिकन अब तैयार है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ब्रेड स्लाइस है हमारे पास यहाँ, ये ब्रेड स्लाइस के एजेस मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको पानी की मदद से हम फ्लैट करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का पानी हम इसके ऊपर लगाएंगे। सब अच्छे से ये फ्लैट हो गया है। अब इसके अंदर हम ये तैयार की हुई फिलिंग ऐड करेंगे। और इसको अब हम इस तरह चारों तरफ से बंद कर लेंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह बॉल की शेप दे देंगे। अगर आपको लगे कि बॉल नहीं बन पा रही है तो आप हल्के हल्का ये पानी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बिल्कुल मामूली सा, ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी डब रोटी सॉगी हो जाएगी। बस इस तरह के बॉल्स मैं तैयार कर लेती हूँ। बॉल्स मैंने तमाम रेडी कर ली हैं। अब इसको हम पहले अंडे में डिप करेंगे। सारा एक्सेस निकाल लेते हैं अच्छे से और अब इसको हम ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। चिकन ब्रेड बॉल्स को अब हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। चिकन ब्रेड बॉल्स को अब हम डीप फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसको पलटा देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे।
चिकन ब्रेड बॉल सर्विंग के लिए तैयार है। मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।